2056 में वर्ल्ड के एनवायरनमेंट एक क्रिटिकल सिचुएशन से भी ज्यादा बिगड़ गई है। सिर्फ अमीर ही एयर डोम्स में रह सकते हैं जो कंटेमिनेटेड भारी हवा को फिल्टर करते हैं। बड़े कॉरपोरेटर्स ने सरकार और राज्य को बदल दिया है और कॉरपोरेट आर्मी स्ट्रगल्स को हल किया जाता है। स्पेस में रेफ्यूजीज ढूंढने के सारे अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। निब्रा कॉरपोरेशन का मालिक रूबिकॉन है। लास्ट एक्सट्राटेरेस्ट्रियल रिसर्च बेस अभी भी एनवायरमेंटल क्राइसिस का सिचुएशन खोज रहा है। एक दिन निब्रा कमांडर हना और केमिस्ट गोविन को रूबिकॉन पर जांच करने के लिए निविकन शटल पर यात्रा के लिए भेजते हैं। हालांकि रूबिकॉन पहुंचने पर कॉम्प्लिकेटेड मिलता है क्योंकि किसी कारण से यह स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कोऑर्डिनेटर्स पर नहीं है। हना को शटल को स्टेशन से लॉक करने के लिए बहुत ही डेंजरस पैंतरेबाजी करनी पड़ती है, जहां क्रू को लगता है कि गलती नेविकॉन के सिस्टम से आई है। वे अभी बहुत खुश नहीं है ये देखकर कि हना इज मिलिट्री, जैसे कि उसकी गर्दन पर चिप से साबित होता है। कारण जानने के लिए एक रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद द नेविकॉन कोर्स खो गया है और एल्गे फार्म को देखकर हना अपने कमरे में बैठ जाती है और अपनी बहन नोपफ को बुलाती है जो सेना में भी है। वे दोनों गरीब हो गए और सिर्फ इनकम के लिए सैनिक बन गए। दुख की बात है कि जब किसी इमरजेंसी का ध्यान रखने के लिए नोफ को बुलाया जाता है तो बातचीत बीच में ही रुक जाती है। बाद में रूबिकॉन को क्रियो के पास यह जश्न मनाने के लिए टोस्ट है कि उनमें से ज्यादातर अब अर्थ पर वापस आ गए हैं। हना और गोविन उसके लिए लेने के लिए आए हैं और जल्द ही तीन और लोग आने वाले हैं। रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर दिमित्री फ्रेंडली हैं और उन्हें ताश खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन उनका बेटा डेनेलो गोविन की टुवर्ड्स हॉस्टाइल है क्योंकि वह एक अमीर परिवार से है जो एक डोम में सेफली रहता था। हना उनके आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ने से पहले इंटरप्ट करती है, फिर क्रू की रिपोर्ट देखने जाती है। यह पता चला है कि कल के लिए फ्लाइट रूट बदल दिया गया है एक अजीब कोहरे के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शहर के ठीक ऊपर जहां मोस्ट ग्रीन फाइटर्स एक्टिविस्ट्स लोकेटेड हैं। पहले ही सैकड़े लोगों की मौत हो चुकी है और वह गोविन को परेशान करता है जो पहले एक्टिविस्ट ग्रुप का पार्ट हुआ करता था। हना गोविन के पीछे जाने से पहले नए फ्लाइट रूट को मंजूरी देती है जो पृथ्वी के समाचार रिपोर्टों तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कम्युनिकेशन रूप में भाग गया। कोई फायदा नहीं हुआ उसे याद दिलाते हुए कि उसका निब्रा से सीधा कॉन्टैक्ट है। हना बताती है कि वह कॉल कर सकती है, लेकिन गोविन ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे कॉरपोरेशन से आने वाली इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं है। अगले दिन दिमित्री गोविन और हना को छोड़कर पूरा क्रू निकल जाता है। डेनेलो माँ के कुछ कल्चर्स फॉलो करता है। निब्रा के रिक्वेस्ट पर माँ उसके साथ रहती है और दिमित्री कसम खाता है कि वे पूरी फ्लाइट भरेंगे, लेकिन उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब है। बाद में हना ने उन्हें अपने सुपीरियर्स को फोन करके उन्हें एक अपडेट जानकारी दी उनके द्वारा भेजे गए मदर कल्चर की ओर, इशारा करते हुए शायद उनमें से हेरफेर किया गया है। निब्रा बॉस अब और परवाह नहीं करते, वह हना को इन्फॉर्म करते हैं कि आइडियाज में बदलाव किया गया है और उसे कुछ ही दिनों में एक और प्लान तैयार करना चाहिए। इसलिए हना को यह स्टडी करने के लिए तेजी से काम करना होगा कि हाउ दिमित्री हैज मैनेज्ड टू क्रिएट एन एल्गी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एयर एंड फूड। ऐसा करना मुश्किल है लेकिन कहना आसान है, क्योंकि जब भी हना सीक्रेटली खेत को करीब से देखने की कोशिश करती है दिमित्री वहां होता है एश्योर करने के लिए वे कि कुछ भी छू ना रही हो जिसे छूना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद उन्हें एक मैसेज मिलता है क्रू से जो स्टिल ट्रांजी में है। वे अंधे हो रहे हैं और पृथ्वी पर भी किसी तरह से कॉन्टैक्ट करने में अनेबल है, इसलिए हना खुद को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिलता। यह सोचना ऑप्टिकल यूनिट की सिग्नल नहीं भेजने के कारण एक प्रॉब्लम हो सकती है। हना ने अपने सिस्टम की जाँच करने के लिए स्पेस वॉक करने का फैसला किया, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। क्रू इंटरकॉम के थ्रू चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे इसे पिछले जल रहे हैं, कनेक्शन खो गया है। जब हना घूमती है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी एक ब्राउन फॉग से पूरी तरह से ढकी जा रही है। जब वह स्टेशन लौटती है तो हना फिर से ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कोई फायदा नहीं, दिमित्री अपने बेटे को दुहा करता है और हना एक अपनी पर्सनल टैबलेट खोजने के लिए नोपफ के मैसेज की जांच करने जाती है जो बताता है कि अर्थ एक मिडल ऑफ क्योस में है और सभी यूनिट्स को बुलाया जा रहा है वापस बंकर्स में लोगों को निकालने के लिए। दो दिन बीत चुके हैं और हना अभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। गिवन एनवायरनमेंट को एनालाइज करने और इस कोहरे के लिए एक्सप्लेनेशन खोजने की कोशिश कर रहा है। ये कारण हो सकता है कि उनके आने पर नेविगेट करने में परेशानी हुई, क्यों हुई और क्रू का पाथ क्यों बदल दिया गया था, लेकिन इस ग्रह के चारों ओर इतनी तेजी से फैलने का कोई मतलब नहीं है। दिमित्री अपना रूम नहीं छोड़ेगा, इसलिए हना उसे फूड लाने और शेवल के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दिमित्री बस गुस्से में उसे दूर भेज देता है। कुछ समय बाद हना पुराने पाच का यूज करके एक नई रेडियो पर काम करने का डिसीजन लेती है। वह स्टेशन के आसपास पाती है, लेकिन जब वह गोविंद को अजीब एक्ट करते हुए नोटिस करती है तो वह उसके छेड़छाड़ में इंटरप्शन डालती है। यह पता चलता है कि कंप्यूटर ने पृथ्वी के एनवायरमेंट का एनालिसिस और रिजल्ट खत्म कर दिया है। उसे अपने लिए चीजों को खत्म करने के लिए चाह में डरा दिया। हना मदद के लिए दौड़ती है और एंड में दिमित्री बाहर आता है क्योंकि एक इमरजेंसी है, इसलिए वे दोनों से जीवित रखने के लिए गोविंद को सीपीआर देने का मैनेज करते हैं।
बाद में एक बेहोश गोविंद को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि दिमित्रियो से सही दवा दे सके ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि वह एक्चुअल में परवाह नहीं करता है कि गेविन रहता है या नहीं। हैना उसे बार बुलाती है और उसके एटीट्यूड के लिए पता चलता है कि वह जानता है कि एल्गे सिस्टम उसकी रिपोर्ट के कंपेयर में ज्यादा परफेक्ट है, जो दिमित्री को एक्सेप्ट करने के लिए मिलता है कि वह जानकारी छिपा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वह जासूसी कर रहा है। जब हैना बताती है कि अगर प्रोजेक्ट निब्रा का है तो यह जासूसी नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे फंड किया है, दिमित्री गुस्सा हो जाता है और अपने प्रोजेक्ट पर डैनियलो के बारे में बताता है। जब गेविन बाद में उठता है तो वह दौड़ता है कंप्यूटर के लिए और दूसरों को समझ आता है कि उसने क्या एक्सप्लोर किया। फॉग टॉक्सिक है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर हर कोई मर चुका है। उस समय गेविन को पैनिक अटैक आता है, इसलिए दिमित्री बेहोश हो जाता है और हैना को यह बताने से पहले कि वह स्टेशन में सेफ है। एल्गे प्रोजेक्ट सफल रही और उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने के लिए हवा और फूड मिलना चाहिए। हैना रेडियो में काम करने जारी रखने का फैसला करती है क्योंकि श्योरली डोम्स में बचे हुए लोग होने चाहिए। रेडियो रिएक्ट करने के लिए एक और स्पेस वॉक के बाद एंड में हैना ने रेडियो की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कब गेविन उठता है वह बताता है कि फॉग शायद परमाफ्रॉस्ट गैसेस के कारण होने वाला एक प्रोसेस है, जिसके बारे में एनवायरमेंटलिस्ट काफी इयर्स से लोगों को वार्न कर रहे हैं। कुछ बंकर हैं ऑक्सीजन टैंक के साथ जो बचे हुए हैं, लेकिन सप्लाई खत्म होने के बाद वे रेफ्यूजी भी मर जाएंगे। केविन को इस मेटल में हमेशा के लिए रहने के आइडिया से नफरत है, सिर्फ दो अदर लोगों के साथ, लेकिन फॉर्चुनेटली दिमित्री ने उसे इशारा करके फिर से कुछ हार्ट करने से रोक दिया। अगर वह मरेगा तो हैना और दिमित्री भी मरेंगे। यह पता चला है कि सिस्टम 6 क्रूमैन के लिए डिजाइन किया गया है। ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और सिस्टम इसे वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। देयर बेयर मिनिमम फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इज 3 पीपल। गेविन जिंदा रहना एक्सेप्ट करता है और बाद में वह हैना के साथ बन जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जीवन उसी चीज के लिए ट्रेनिंग में बर्बाद कर दिया जो फेल हो गई थी, और वे दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करके खत्म हो गए। कुछ वीक बाद हैना को एल्गी पर एक अजीब ब्राउन कलर दिखाई देता है। दिमित्री उसे बताता है कि नॉर्मल है और चिंता ना करे, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद वह कुछ टेस्ट करने के लिए सैंपल ले जाता है। रिजल्ट क्लियरली उसे परेशान करते हैं, लेकिन दूसरों को बताने के बजाय वह उन्हें जुए और शराब पीने के रात के लिए इन्वाइट करता है। गेविन को आखिरकार पता चलता है कि हैना निब्रा के लिए स्पाय थी और दिमित्री बताते हैं कि उन्होंने डैनियलो के साथ नकली सैंपल्स क्यों भेजे थे। महीने पहले निब्रा ने अपने कॉन्टैक्ट बदल दिए, सेइंग जो न्यू एल्गी सिस्टम है वो एक्सक्लूसिव है डोम ड्वेलर्स के लिए। दिमित्री ने माइंड नहीं किया और पैसे लेने के लिए तैयार था, लेकिन डैनियलो गुस्से में था और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पहले से ही इसे पब्लिक डोमेन में जारी करने का प्लान बना रहा है। कुछ समय बाद हैना सीक्रेटली फेंक रही है और पता चला है कि एल्गी के थ्रू अजीब ब्राउन थिंग फैल रही है। उस समय कम्युनिकेटर्स के थ्रू कुछ इनक्रेडिबल आता है। एक ग्रुप ऑफ निब्रा सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने फाइनली कॉन्टैक्ट बनाया है। उस डोम में 300 लोग बचे हैं और उनकी ऑक्सीजन जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें एल्गी प्रोजेक्ट की जरूरत है। हैना हैरान है कि वह जानते हैं इसके बारे में, जिसका मतलब है कि बच्चे सभी सीओ और उनके परिवार हैं। इस बीच दिमित्री जांच कर रहा है एल्गी फूड जेल का और पता चलता है कि ब्राउन कंटामिनेशन उनकी सप्लाई तक भी पहुंच गया है। उसका टेस्ट हैना और गोविंद द्वारा इंटरप्ट हो जाता है, जो उसे जिंदा बचे लोगों के बारे में बताने आते हैं। यह पता चला है कि फॉग में ऐसे द्वारा हैं जो डोम को अपना मैसेज भेजने की परमिशन देते हैं और एक जहाज को भी सेफ्टी के लिए जाने देना चाहिए। दोनों रेफ्यूजीज को बचाना चाहते हैं, लेकिन दिमित्री ने मना कर दिया। क्रू नेविकॉन को अपने साथ ले जाएंगे, जब उन्हें छोड़ दिया तो उसके बिना फ्लाइट भरना एक वॉन्टेड डेथ है। गोविंद को और जोर देकर कहते हैं कि उन लोगों को मदद करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन दिमित्री को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि उनकी गलती है कि डैनियलो मर चुका है। गोविंद के गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाने के बाद हैना को चक्कर आने लगते हैं और दिमित्री को शक होने लगता है कि यह ब्राउन गू के साथ हो सकता है। वह रूटीन चेकअप के लिए बहाने हैना से ब्लड का सैंपल लेने का फैसला करता है और हैना फिर से अपना मन बदलने की कोशिश करने के लिए एक मूवमेंट का यूज करती है। हालांकि दिमित्री सिर्फ ये बताता है कि ये सीईओ सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। हैना और गोविंद मामले पर पर्सनली चर्चा करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि वे दिमित्री के साथ या उसके बिना जा रहे हैं, इसलिए यदि जरूरत है तो वे फोर्स करके सैंपल्स लेंगे। उन्हें रोकने के लिए दिमित्री एंड में खुलासा करता है कि ब्राउन गू कितनी दूर तक फैल चुका है और समझाता है कि यह हैना का दोष है। एल्गे फीड क्रू के यूरिन से स्टेशन न्यूट्रिएंट साइकिल में वे भी हार्मोन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, हैना प्रेग्नेंट है। हैना इस पर विश्वास करने से मना करती है क्योंकि सैनिकों को इनफर्टाइल माना जाता है, लेकिन दिमित्री बताते हैं कि चिप में खराबी हो सकती है क्योंकि लंबे समय से उसका ग्राउंड वे से कंटैक्ट टूट गया। एल्गे ठीक होने जा रही है, लेकिन अगर हैना वहां जाती है तो उसका बच्चा नहीं होगा। यह उसके मन को बदलने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इससे गेविन को बिहेवियर बदल जाता है और अभी भी व्यवहार नहीं रहना चाहता। हैना लंबे समय तक फॉग में काम करना शुरू कर देती है, सिमुलेटर पर स्मॉल गैप के थ्रू स्टेशन को सेफली उतारने की प्रैक्टिस करने के लिए। गेविन उसे बात करने की कोशिश करता है और उसकी बात सुनता है, जो वह कहती है कि स्टेशन बच्चे को पालने की जगह नहीं है, उसे उसके साथ अर्थ पर वापस जाने के लिए इंस्पायर करने के लिए। दिमित्री स्टेशन में अकेले नहीं रह सकता, इसलिए उनके पास उनके साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शटल अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। कूलिंग सिस्टम किसी कारण के बंद हो गया है और अब शटल के गैस टैंक ज्यादा गर्म हो रहे हैं, यह किसी भी मिनट में फूट जाएगा। इसलिए हैना ने इसे स्टेशन से काट दिया और जाने दिया और तब तक तैरते रहे जब तक ये उनसे दूर ना हो फट जाए।
इसका मतलब है कि वे अब हमेशा के लिए स्टेशन में फंस गए हैं। केविन हाना से नाराज है कि उसने पहले कुछ और सोचने की कोशिश नहीं की। इस तरह वह एक मैसेज भेजेगा अलोन न्यूज के साथ अर्थ पर। सीओ गेविन से कहते हैं कि उसे हाना एक से इकारस के बारे में पूछना चाहिए, इसलिए वह यह समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि यह उसका एक्चुअल मिशन था। एक बार उसने अपने हाथ एल्गी के सैंपल्स पर रखे, उसे पूरी लैब को नीचे लाना था जिसे अलग से बाहर निकाला और उड़ाया जा सकता है। हालांकि यह यात्रियों के लिए नहीं बनाया और इसे स्टीयर नहीं किया जा सकता है। यह जितना डेंजरस हो सकता है, गेविन अभी भी सोचता है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि 300 लोगों 3 से ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन हैना हिचकिचाती रहती है। बाद में जब गेविन सोता है, हैना को वॉल पर एल्गे का निशान मिलता है और उसके बाद एक पैनल में जाती है जहां से पता चलता है कि कूलिंग सिस्टम में तोड़फोड़ की गई थी। हैना ने दिमित्री को दिलासा दिया जो एक्सेप्ट करता है कि उसने ऐसा किया था, लेकिन उसका इरादा सिर्फ देरी करना था, ना कि एक्सप्लोजन। हैना उसे कायर कहती है और उसे इकारस सिस्टम तैयार करवाती है जिसे सिर्फ दिमित्री जानता है, इसलिए कि उन्होंने अपने खाली स्टेशन में को स्टडी किया था। लेकिन अगर हैना इसके बारे में कुछ जानती है तो दिमित्री को पता चलता है कि निब्रा ने उसे जानबूझकर भेजा था क्योंकि वे जानते थे कि इमरजेंसी आ रही है और उन्होंने किसी को नहीं बताया इसके बारे में। सीओ के पास अपने बंकर थे और दूसरों को भी बचाने की परवाह नहीं करते थे, इसलिए दिमित्री को यकीन है कि अगर उन्होंने क्रियो के साथ एल्गे शेयर किया होता तो वे ऐसा ना करती। हैना के मन में शक बढ़ता है जब वे ग्राउंड पेस को यह बताने के लिए बुलाते हैं कि वे लैब के साथ नीचे गिरेंगे। हैना इवैक्यूएशंस पर काम करने वाले सैनिकों में से एक से बात करने के लिए कहती है। रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं कि बंकर में सीओ और उनके परिवारों के लिए लिमिटेड जगह है, इसलिए जब सैनिकों ने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्हें बाहर छोड़ दिया गया। इसका मतलब नॉफ मर चुकी है और एक तबाह हैना पर्सनली ब्रेकडाउन के लिए कमरा छोड़ देती है। गेविन उसे बाद में पता है और मिशन को पूरा करने के लिए उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हैना ने अपना प्लान बदल दिया और बचाने से मना कर दिया उन लोगों का जीवन जो दूसरे पर्सन को कैनन फोर्डर के रूप में देखते हैं। स्टेशन से बच्चे के लिए एक बेहतर जीवन है, लेकिन गेविन कभी भी यह नहीं समझ पाएगा। उसके लिए बदलने की बात करना आसान है जब उसके पास अपनी लैब को सपोर्ट करने के लिए डैडी का पैसा था। बाद में हैना आराम करने से पहले उसके सिर पर चिपटाने का काम करती है, लेकिन उसकी झपकी कुछ वियर्ड नॉइज से इंटरप्ट होती है। ये गेविन है जिसने दिमित्री को बांध दिया और हैना के साथ या उसके बिना लैब छोड़ने की योजना बना रहा है। कोई दूसरा नहीं देख रहा है। हैना उसका साथ देती है, लेकिन आखिरी सेकंड में वह गेविन को दूर धकेल देती है और एकाले सिस्टम को फोड़ देती है। वह जानती है कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन वह नहीं करेगी। इसलिए गुस्से में गेविन निकल जाता है जबकि हैना दिमित्री को फ्री कर देती है। बाद में हैना को कंप्यूटर पर और एक मैसेज मिलता है और वह सुने बिना ही उसे हटा देती है कम्युनिकेटर्स को बंद करने से पहले। फिर वह गेविन की तलाश में जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वहां क्यों बुरी खबर वेट कर रही है। गेविन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है और हैना को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वह उसका शरीर। हैना और गेविन ने अलविदा कहने के बाद उन्होंने गेविन के शरीर को स्पेस में छोड़ दिया और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। हैना अब जल्द से जल्द इकारस को ठीक करना शुरू कर जाना चाहती है। शक है कि गोविन ने उन्हें जिंदा रखने के लिए और अर्थ पर वापस भेजने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। यह सुनकर दिमित्री चौंक गया और टूट गया क्योंकि 3 लोगों का बहाना झूठ था गेविन को ऐसा करने से रोकने के लिए। साल बीतते हैं और हैना के पास एक बच्चा है जिसे वह कॉपफ नाम देती है, आफ्टर हर सिस्टम। एक शाम बच्चा इधर उधर भटक रहा है और पुराने रेडियो को ढूंढता है जो अचानक अर्थ एक मैसेज के साथ लाइफ में आता है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स इन द साउथ जो फाइनली कम आउट आए हैं बंकर से एंड वो कनॉफ को इनवाइट करते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।